नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिभा क्लासेस में। आज UPSC का पेपर था, आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। UPSC प्री का पेपर, पेपर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा पेपर रहा है आज सभी स्टूडेंट्स का, ऐसी उम्मीद है मेरी। और जिसका भी अच्छा नहीं रहा या फिर जिसको भी प्रॉब्लम आई है पेपर देने में, तो वो अगली बार के लिए तैयारी करें। इस समय निराश ना हो, निराश होने की बजाय अगली बार के अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी करें। बहुत ही अच्छा पेपर रहा था वैसे तो, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने की वजह से जो डाटा है वो आपको ज्यादा से ज्यादा तैयार होना चाहिए। अगर किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे। इसीलिए ये सबसे ज्यादा आपको UPSC एक वास्ट सिलेबस रखता है अपने पास, और बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस भी होता है इसका। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा डाटा से तैयार रखना होगा और डीपली नॉलेज होनी है, बहुत जरूरी है, तभी आप UPSC का एग्जाम दे सकते हैं, तो अच्छा रहता है। और इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आज हम बताएंगे कि पेपर कैसा आया था, पेपर का टाइप कैसा था, और पेपर के डिस्कशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, सभी के बारे में हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ में हम आपको ये भी बता दें कि जो पेपर का टाइप रहा था वो थोड़ा सा टफ रहा था, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे होने की वजह से पेपर का टाइप रहा था टफ। टफ इसलिए रहा था, फैक्चुअल पूछे जाना और किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज होना, कोई भी टॉपिक है उसकी बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज होना, तभी आप उसकी फैक्ट को जान पाएंगे और तभी आप सही आंसर टिक कर पाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि UPSC में जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसको हमें एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए हमें फैक्ट पता होने चाहिए, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डीपली नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। ऑप्शन को एलिमिनेट करना ही UPSC, तभी आप उसमें सही आंसर लगा पाएंगे। और जब आपको लगेगा कि सारे सेम आंसर हैं, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, अगर आप एलिमिनेट ही नहीं कर पाएंगे तब आप उसका सही आंसर नहीं लगा सकते हैं, तब तो आप तुक्का ही लगाना पड़ेगा आपको। और तुक्का गलत है या सही है वो क्लियर नहीं होता है, और तुक्का लगाना भी गलत होता है, क्योंकि माइनस मार्किंग की वजह से आपके नंबर भी कट सकते हैं और आपके मार्क्स हैं जो वो माइनस में जा सकते हैं, आप मेरिट लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। यूपीएससी के पेपर की बात करें तो हम पेपर के टाइप देख लेते हैं। ये जो हमारा है सेट डी है, सेट डी है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सेट डी को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा सेट जाने वाला है। और आंसर की जो हमारे टीम लगी हुई है वो ढूंढ रही है, और बिल्कुल अच्छी एनालाइज करके, अच्छे तरीके से एनालाइज करके आंसर की को खोज रहे हैं सभी लोग। और इसमें जो जल्द से जल्द आपको आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी, बहुत ही अच्छे से आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, और सेम टू सेम ऑफिशियल आंसर की जैसे प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब हम क्वेश्चन टाइप की बात करें तो क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। IR से क्वेश्चन पूछा गया था। अब IR में सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूनाइटेड नेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। सिक्योरिटी काउंसिल से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा है, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, और इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, वो इन सब छोटे छोटे टॉपिक को, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर छोटे छोटे टॉपिक को कवर करना चाहे तो कवर कर सकता है। हमारे चैनल पर सारे टॉपिक कवर करा दिए जाते हैं, सारे टॉपिक प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप चैनल पर विजिट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं पेपर के टाइप की। जो पेपर का टाइप रहा था वो टफ रहा था थोड़ा सा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे होने की वजह से टफ रहा था पेपर। और इसमें एक चीज़ ये भी रही थी कि क्वेश्चन जो पूछे गए थे डायरेक्टली किससे पूछे गए थे, NCERT से भी काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए गए थे। डायरेक्टली NCERT से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। जिसने 6 to 12th सारी NCERT कवर की थी उनको ये पेपर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, उनके कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन डायरेक्टली हो गए होंगे, डायरेक्टली 10 क्वेश्चन एटलीस्ट हो गए होंगे, ऐसा मानना है। अभी पेपर ज़्यादा देखा नहीं है लेकिन 10 क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो गए होंगे। थोड़ा सा पेपर देखा है उसमें भी 3-4 क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो ऐसा मानना है कि आगे भी पेपर में 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। और थोड़ी सी फैक्चुअल नॉलेज भी हो जाती है NCERT पढ़ने से, तो आपके अप्रॉक्स ये मान लो NCERT पढ़ने से फ़ायदा ये रहा है 10 to 20, 10 से 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए होंगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। प्रीवियस
कट ऑफ की, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रही है वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी में, प्रीवियस ईयर कट ऑफ बहुत ज़्यादा वैसी रही है। अब हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले 2017 की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, 2017 में कितनी क्या कट ऑफ रही थी 2017 में। इसके बाद में 2017 से लेकर 2021 तक की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। 2017 की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो 105.34 रही थी। इसके बाद में ओबीसी की कट ऑफ रही थी 102.66 रही थी, और एससी की कट ऑफ रही थी 88, और एसटी की कट ऑफ रही थी 88, दोनों की कट ऑफ सेम रही थी। इसके बाद में 2018 की बात करें तो 2018 में की बात करें तो 2018 में जो कट ऑफ रही थी जनरल की कट ऑफ रही थी 98, और ओबीसी की कट ऑफ रही थी 96, एससी की कट ऑफ रही थी 84, एसटी की कट ऑफ रही थी 83। 2017-2018 में ये कट ऑफ रही थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में क्या कट ऑफ रही थी, 2019 में रही थी 98, और EWS इस समय चलने लगा था, तो EWS की 90, OBC की 95, और SC की 82, ST की रही थी 77। 2020 की बात करें तो 2020 की कट ऑफ रही थी 92.51 जनरल की, और 77.5 EWS की, 89 ये रही थी OBC की, और SC की रही थी 74, और ST की रही थी 68, ये ST कट ऑफ रही थी, ये 2020 की कट ऑफ रही थी। अब हम बात करते हैं 2021 की कट ऑफ, तो 2021 की कट ऑफ भी ज़्यादा रही थी, इसमें से एक कट ऑफ ज़्यादा गई थी 2017 की और 2019 की। इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने का क्योंकि पेपर थोड़ा सा सिंपल आ गया था, तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली गई थी। इस बार पेपर थोड़ा कट टफ आया है, तो ऐसी आशा की जा रही है कि कट ऑफ जो थोड़ी कम ही रहेगी, 80 से 90 के बीच में कट ऑफ सारी सिमट जाएगी जनरल OBC EWS की। इसके बाद में SC और ST की बात करें तो 75-80 के बीच में इनकी कट ऑफ रही थी। अगर हम 2021 की बात करें तो 87 रही थी देखिए जनरल की, इसके बाद में 80 कट ऑफ रही थी EWS की, और 84 रही थी OBC की, और 75 रही थी SC की, और 70 रही थी ST की। ये कट ऑफ 2021 की रही थी, 2021 की। अब हम 2022 के पेपर की, इस बार के पेपर की बात करें, जो आज का पेपर हुआ है, इस बार के पेपर में बात करें तो आप जनरल की मान लीजिए कि 85 से 90 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद में EWS की बात करें तो 82-85 ये कट ऑफ रहने वाली है। OBC की बात करें तो 82-86 ये कट ऑफ रह सकती है, और यहाँ पर SC की बात करें तो SC की बात 77-80 के बीच में कट ऑफ रहेगी, और ST की बात करें तो इनकी कट ऑफ रह सकती है 70-77, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस बार की। ये हमारा UPSC का पेपर है, आपको इसके आंसर की सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर की बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। हमारी टीम एनालाइज कर रही है, पेपर को एनालाइज कर रही है, जल्द से जल्द आपको पूरी आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और सभी को बता दें इसमें आपको जल्द से जल्द आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।